है, चल भी रही है, नहीं तो चल भी नहीं सकती थी, ऐसे बोलती भी नहीं थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, दो बार दवाई ले आए। और इधर नाना जान भी बैठे हैं, कैसी है तबीयत? जबरदस्त चल रही है। और इधर फूफो भी बैठी है, कैसी है तबीयत? वो कहेंगे उसको नाना जान कह रहा है, इसको फूफो कह रहा है, ये खाना नहीं, खाना नहीं खाते, बोतल मंगवाते हैं, नहीं बोतलें वगैरह नहीं पीता, कुछ भी नहीं। गर्मी है, पंखा चल रहा है, पसीना भी है। वो कूलर में जो है पानी वो फुल पड़ा हुआ है, यहाँ का कूलर में ठंडा हमने बर्फ वगैरह डाल के वो बना लिया है कूलर। ना वो आ चुके हैं, तो मौसम जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है। और सब्जी वगैरह मैं लेकर आया था अरबी की। आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? ये दवाई लेकर आए हैं, ये शरबत, ये है हाजमे के लिए, पिलाओ। और उसके बाद वो पैनाडॉल लेके आए हूँ बुखार वगैरह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिर फाट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ही बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग भी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत कैसी है? जबरदस्त है। बच्चों की कैसी है तबीयत आज? बच्चे माशाल्लाह कल से जो है ना काफ़ी बेहतर है, खा पी भी रही है और खेल भी रही है, चल भी रही है, नहीं तो चल भी नहीं सकती थी, ऐसे बोलती भी नहीं थी। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, दो बार दवाई ले आए हैं खान पोल से, तो अभी जो है ना ठीक है, बेहतर है। माशाल्लाह। हाँ, खाने का टाइम है, आ जाए बैठे। नहीं, खाना नहीं खाता मैं मैंने नाश्ता भी लेट किया है, वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस गर्मियों की वजह से। अच्छे से डॉक्टर को चेक करवाएं ना, जो आपका ये बुखार नहीं खत्म हो रहा, तो कोई अच्छे से कोई बड़े डॉक्टर के पास जाएं, जो फिर कितने महीने हो गए हैं अब इस बीमारी को? 3 माह हो गए हैं। तीन माह हो गए, तो आपको जो है ना आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, तो कोई बड़े, वैसे यही होता है कि छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाते रहो तो उतने ही पैसे लगते हैं, जितनी एक बार बड़े डॉक्टर से ले आएंगे तो हो सकता है आप सेट हो जाएं। वो थोड़े कमा लेते हैं ना पैसे, वो लगा लेते हैं, एक बार कहाँ से ले आए? डॉक्टर तो कहते हैं 5-6 हज़ार ले कर आओ। हाँ, उनकी हज़ार हज़ार तो पक्की फीस होती है, कोई चीज़ भी नहीं फ्री में, 1000 रुपया फीस होती है। हाँ। फिर दवाइयाँ वगैरह, फिर वो कहेंगे ट्रिपें लगेंगी, वो होगा फला होगा, वो 5-7 हज़ार का बिल बना देते हैं, चाहे कुछ भी ना हो। वही 600 हज़ार फीस चल रही है, छोटी बच्ची है ना। ये है तो जितनी बड़े डॉक्टर उतनी बड़े पैसे भी बड़े। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, चेक करवाते हैं अभी, क्योंकि पहले भी 2-3 मरतबा मैंने ब्लड वगैरह टेस्ट करवाए थे। एक ने लेबॉरेटरी वाले ने कहा था टाइफाइड है, एक ने कहा है मलेरिया है, अभी फिर वो इतबार किस पे करें? कोई कहता है टाइफाइड बुखार है, कोई कहता है वो मलेरिया है, कोई मलेरिया की दवाइयाँ खिला रहा है, कोई टाइफाइड की खिला रहा है। अच्छा। वो उल्टा जो है ना इतना मैदे में हीट हो गई है कि अभी एक मिनट के लिए भी मैं बाहर नहीं निकल सकता गर्मी में, ये कंडीशन हो गई है। फिर मोशन लग गए, 2-3 माह मोशन लगे रहे कल, फिर हालांकि पूरा मंथ हो गया मुझे बुखार नहीं आया, मैंने कहा शायद बुखार ख़त्म हो गया। जैसे मैंने कल जाकर ड्रिप लगवाई, जैसे ड्रिप लगवा के वापस आया तो बुखार, इतना बुखार 103.4 पर पहुँच गया। इसलिए कह रही हूँ कि कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि जो है ना आप ठीक हो जाएं। इस तरह जो है ना फिर 100 मसले होते हैं, इंसान ठीक ना हो तो फिर काम नहीं होता ना, कोई काम नहीं होते हैं, ये सिर्फ पानी फिल्टर से भरना पड़ता है, वो भी पता नहीं मैं कैसे मुश्किल से भर के ले जाता हूँ। अभी कमरों की तोड़ फोड़ मैंने की हुई थी, मैंने कहा चलो वो टूट फूट जाएंगे। इमरान भाई भी आए हुए थे तो उनकी बच्ची बीमार हो गई, वो फिर कल के घर चले गए। इधर दवाई वगैरह लेते रहे, चौक से भी ली है, खानपुर से लेकर आए थे, लेकिन उनकी बच्ची भी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे इसकी नहीं हो रही, तो फिर उस वजह से वो उन्होंने कहा कि हम ना चलते हैं वापस घर, वो चले गए। अभी अकेला फिर मुझसे भी नहीं टूट पा रहे कमरे, क्योंकि बीमारी की वजह से। तब इंसान ठीक होता है फिर भी कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ लगा रहता है। अभी सोच रहा हूँ कोई मज़दूर पकड़ता हूँ,
उसको लगाता हूँ, कहता हूँ ये तोड़ दो, क्या कितने पैसे लोगे, ठेका मुका लेता हूँ उसके साथ, उसको बोलता हूँ ये दो दीवारें हैं। वो फिर इस तरह है कि आगे सर्दियाँ आ जाए तो फिर प्लस्तर वगैरह ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, फिर वो कीड़ा लग जाएगा, फिर वही हिसाब होगा। गर्मियों में प्लस्तर हो जाए तो वो फिर आपको पता है कैसा होता है। चलें, पानी भी भरना है, आप इधर छुप के आ गए, बता के तो आए थे, लेकिन आपको पता था अभी 1 बजे पानी आ जाता है। और इधर नाना जान भी बैठे हैं, कैसी है तबीयत? ज़बरदस्त चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और इधर फूफो भी बैठी है, कैसी है तबीयत? वो कहेंगे उसको नाना जान कह रहा है, इसको फूफो कह रहा है, ये रिश्ते ना समझ नहीं आएंगे लोगों को हमारे, अपने अपने तरीके होते हैं। क्योंकि ये जो हैं मेरे जो नाना जान थे उनके भाई हैं, इसलिए वो नाना बनते हैं। ये जो हैं मेरे अबू जान की सिस्टर हैं, इसलिए ये फूफो बन जाती है, तो इस वजह से। और सुनाए कैसी है तबीयत सेहत? ठीक है। गर्मियाँ कैसी हैं? अच्छा, बाहर हवा भी चल रही हो ना, फिर भी ऐसे महसूस होता है हवा नहीं लग रही, ये मसला जो है ना, काफी गर्मियाँ काफी ज्यादा हैं। तो इधर जी आया था, वसीम भी इधर था, और मैंने कहा इधर चलते हैं, काफी दिन से जो है ना वो चक्कर नहीं लगाया था, तो मैंने कहा इधर चल कर चक्कर वगैरह भी लगाते हैं, और वसीम को भी लेकर जाएंगे, और पानी वगैरह भरना होता है फिल्टर से। वैसे ये उठाता नहीं है, ये खाली बर्तन ले जाता है भरे हुए, मुझे कहता है उठाओ, एक भी बाल्टी तक भी नहीं उठाता, ये ऐसा मनहूस है। इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पानी भर के ले जाते हैं। छोटी कहने होती है तो हमारी कौन सी बड़ी है? चलें जी, अभी चलते हैं फिर। ओके, नहीं खाना नहीं खाते, नहीं बोतलें वगैरह नहीं पीता, कुछ भी नहीं, क्योंकि तबीयत इस तरह की है ना, कोई चीज़ को दिल नहीं करता। आज इतवार है, आज इतवार है, वो कहाँ पर है, वो किधर बैठा है? सरकारी अस्पताल नहीं। अच्छा अच्छा, वो जहाँ से वो लेकर आए थे दम्मे वाली दवाई, जिससे वो नहीं, वो क्या बुखार वगैरह इन चीजों की भी देता है क्या? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब, तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ, जबरदस्त माशाल्लाह, गर्मी है, पंखा चल रहा है, पसीना भी है, मैं भी अभी आया हूँ, और घर में सब ठीक है माशाल्लाह। हाँ, सोए हुए हैं तो माशाल्लाह जी, ऊपर भी पहुँच चुके हैं। मैंने कहा इधर से दुआ सलाम करते चले, क्योंकि टाइम भी 1:30 का हो गया है, 1.5 घंटा रहता है पानी में से, तो मैंने कहा ऊपर दुआ सलाम करके फिर चलेंगे, पानी वगैरह भरेंगे। तो आपने दुआ करनी है, जैसे आपने देखा तबीयत के बारे में मैंने बताया है, तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई ढूंढते हैं, उससे मुकम्मल जो है ना अपना टेस्ट वगैरह करवाते हैं और दवाई वगैरह लेते हैं, तब जो है ना तबीयत जाके ठीक होगी। ऐसे जो है ना, फिर आपको पता है 3 मंथ हो गए हैं, तो बीमारी ने वो कचूमर निकाल दिया मेरा। अब ये है कि पूरे जिस्म के जो जोड़ है ना उनमें दर्द है। कल ड्रिप लगवाई है मैंने, मोशन वगैरह थे तो मैंने कहा ड्रिप लगवा लेता हूँ, पानी की कमी वगैरह से ना चक्कर वगैरह आते थे कमज़ोरी, मैंने कहा ड्रिप एक लगवा लेता हूँ। तो जैसे ड्रिप लगवा के वापस आया तो बुखार निकल आया, इतनी बुखार है कि मेरी सोच से भी बाहर। तो इस वजह से मैंने कहा कि फिर मुझे लगता है कि जो जोड़ों में दर्द हो
उल्टियाँ वगैरह आती हों, तो इस वजह से वो कहते हैं टाइफाइड बुखार होता है। क्योंकि 3 मंथ हो गए मुझे ये बुखार, उल्टियाँ और मोशन, उसके अलावा पत्थरियों की दवाई खाता रहा जो गुर्दों में पत्थरियाँ थी, तो मुझे लगता है कि बुखार जो है वो सही माने निकला नहीं है जिस समय से। वो एक लेबॉरेटरी वाले ने कहा था मलेरिया है, दूसरे ने कहा था टाइफाइड है। एक से करवाया था 2 दिन पहले, फिर 2 दिन बाद दूसरे से लेबॉरेटरी में करवाया और डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा टाइफाइड है, फिर टाइफाइड की दवाई देते उन्होंने दी थी, वो खाई, लेकिन कोई फ़र्क, यानी कि फ़र्क तो पड़ गया था, मुझे ऐसे लग रहा था अभी कुछ भी नहीं, अभी ख़त्म हो गया, लेकिन कल जैसे मैंने ड्रिप लगवाई फिर बुखार क्यों निकला? बुखार अगर ना होता तो क्यों निकलता? नहीं, वो फिर जोड़ों में दर्द, थोड़ी सी भी गर्मी हो, उल्टियाँ, वही किसी MBBS डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, जो बड़े डॉक्टर हैं वो बताएगा ना, डॉक्टर बताएगा कि फलां फलां चीज़ का टेस्ट करवाओ, ब्लड में से कौन सा चीज़ टेस्ट करवानी है, क्योंकि हर चीज़ अक्सर ब्लड में से होती है, शुगर ब्लड में से निकलता है, वही यानी कि डॉक्टर को हकीकत, मैं अभी सोच रहा हूँ किसी बड़े डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनसे जो है ना मशवरा लेते हैं, मुकम्मल हकीकत बताते हैं 3 मंथ से जो हुआ मेरे साथ, वो एक एक चीज़ उनको बतानी पड़ेगी, उसको बता के फिर उनको कहेंगे कि अब जो है ना आपने मशवरा दें कि अब हम कौन से टेस्ट करवा कर लें और कैसे कौन सी दवाई आप दोगे हमें, क्योंकि ऐसे आप लेबॉरेटरी में चले जाओ ना, वो कहेंगे लिखवा के ले आओ यार, कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या करवाने हैं, फिर हम ब्लड का करा लें यार, वो ना मलेरिया बुखार का कर दो, आगे जाएं वो कहे किसी और चीज़ का करवाना था, फिर ये चीज़ होती है, क्योंकि पहले ना डॉक्टर किसी के पास जाना पड़ेगा, वो फिर जो बताएगा, फिर वो उसके टेस्ट होंगे, फिर आगे जा कर मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ चलेंगी। चलें जी, इधर भी दुआ शाम हो चुकी है, अभी चलते हैं घर की तरफ, और इंशाल्लाह बाकी जैसा भी व्लॉग बनता रहेगा आप तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। ओके, हो गया, पहुंच चुका हूं घर। जैसे मैंने आपको बताया, पतीला जो है ना एक पानी का वो मैं भर के ले आया हूं, ये देखें एक पतीला जो है पानी का वो भर लिया है, अभी जो है ना वो कूलर में जो है पानी वो फुल पड़ा हुआ है, यहाँ का कूलर में ठंडा हमने बर्फ़ वगैरह डाल के वो बना लिया है कूलर, वो जो है ना अभी इस्तेमाल हो रहा है, पी भी रहे हैं, ये देखें ये कूलर फुल भरा पड़ा है। उसके अलावा ये वाली जो बाल्टी है ना, ये अभी खाली है, इसको दोबारा लेके जाता हूँ उधर से भर के ले आता हूँ फिल्टर से, पहले एक बाल्टी और एक वो छोटी बाल्टी वो भर के ले आया हूँ, तो एक पतीला मेरा पानी का फुल हो गया है, ये बाल्टी साथ भर कर रख दूँगा तो मेरा ये सुबह तक फिर पानी ख़त्म नहीं होगा, तो अभी चलते हैं ये वाली बाल्टी उठाते हैं और पानी भर के ले आते हैं फिल्टर से। अभी जो है ना टाइम हो चुका है तकरीबन 3:45 का, तो अभी हम चलते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, शाम की सब्ज़ी जो है ना वो लेकर आनी है, भाई जो है मेरी बहन खड़ी हुई है, क्योंकि वो साथ भाई लेकर गया था थोड़ा चौक पे, तो जैसे बाइक वापस आ गई है 5-10 मिनट में, तो अभी मैं चलता हूँ, तो मैंने कहा बाइक बहर है तो मैं भी बहर वाला काम करके आऊँ, तो अभी सब्ज़ी के बारे में जो है ना डिस्कस करता हूँ क्या सब्ज़ी लेनी है, वो लेकर फिर जो है ना वापस आएँगे। हाँ जी, आप भी जाओगे मेरे साथ? आप क्या करने जाओगे? चलो ठीक है, चलते हैं। सुनाए जी, क्या सब्जी है? अरवी दे 1.5 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो अरवी दे दें, और साथ जो है ना मिसाला दे दें।
माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है अभी दिन जो है वो ठंडा हो चुका है क्योंकि सूरज वगैरह जो है ना वो अभी चला गया है और बादल वगैरह भी उसके ऊपर जो है ना वो आ चुके हैं। तो मौसम जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा बन चुका है और सब्ज़ी वगैरह मैं लेकर आया था अरवी की और अरवी जो है वो कटाई वगैरह भी हो चुकी है। अभी चलते हैं देखते हैं कि उसका काम वगैरह जो है कहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो है ना अरवी वगैरह ये रखी हुई है धुलाई वगैरह करके माशाल्लाह जी माशाल्लाह और साथ में रखे हैं मिसाले वगैरह। उसके बाद ये सारा सामान जो है ना ओके हो चुका है। अभी लगता है बनाने की सिर्फ तैयारी है, रेडी करना है, इसको बनाना है, फिर उसके बाद खाना है। और इब्राहिम खान भी पहुंच चुका है। इब्राहिम खान क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है। ज़बरदस्त है? ज़बरदस्त। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहे? नहीं। दुआ सलाम की है? हा? दुआ सलाम की थी? चलो करो दुआ सलाम फिर। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब? तो अभी हम बना रहे हैं अरबी। हाजरा आप कैसी हो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मौसम कैसा है? बहुत। ये वसीम रो रहा है। वसीम किधर रो रहा है? बहुत अच्छा खासा तो घूम रहा है। आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है। क्या है तबीयत को? अम्मी कुछ पता नहीं चल। आखिर पता तो होगा कि ये मसला है फलां मसला है ऐसे थोड़ा। अच्छा गैस वगैरह तो नहीं है? गैस क्या खाया था? सत्तू पिया था। सत्तू खाया है? और सत्तू ने गैस कर दिया? फिर गैस वाला कोई टूना वगैरह बताएं, अचार वगैरह होता है वो खाएं? अचार ज्यादा गैस नहीं, अचार गैस कहाँ करती है, गैस ख़त्म करती है। या कोई वो फट्टी वगैरह पड़ी है वो खाएं? खाया था। कोई बोतल वगैरह मंगा के पी लो। हम नहीं, हम मरीज के लिए मंगाएंगे या आपके लिए मंगाएंगे? बड़ी वाली मंगा लो। बड़े वाली नहीं मंगानी, बोतल मंगा दूं? बोतल से खत्म हो जाएगा। गैस खत्म होता है ना बोतल से? वो सेवन अप वाली ले लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक डाल के पी लोगे तो फिर। स्प्राइट नहीं, सेवन अप जो है ना वो अच्छी होती है। नहीं आप नहीं चलाओ ये वाला। चलो फिर बोतल ले आओ, अपनी मम्मा को पिलाओ। ये दवाई लेकर आए हैं, ये शरबत, ये है हाजमे के लिए, सही है? ये वाले शरबत उन्होंने दिए, उन्होंने कहा ये पिलाओ, और उसके बाद वो पैनाडॉल लेके आए हूँ बुखार वगैरह के लिए। अभी इसमें से कितने ढकने पियोगे? आधी बोतल? दो चमचे। चमचा तो लिया नहीं है। इसे ढकने भर के पियोगे? इसको अच्छी तरह से हिलाई है? हाँ। चलो दो, फिर दो ढकने जो है ना ये पी लो। ये कैसी है? कैसी मीठी है? कड़वी है। अच्छा दांत ब्रश की तरह। अच्छा चलें जी, अभी दवाई वगैरह लेकर दे दी है, अभी दवाई इन्होंने पी ली है। ये ढक को हाजरा को धुलाई करके है, हाजरा इसको धुलाई कर लो पानी के साथ। तो उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं कि इसकी तबीयत सेट होती है कि नहीं होती। तो हो जाएगी। इसके साथ हो जाएगी? वो बोतल लेकर आया था दूसरी? हाँ, वो पी है ना। वो भी पी ली है? पी लिया सारी। चलो अल्लाह पाक सिया दे। चलें जी, ढकना भी लगा दें, इसको फिर बंद कर दें ताकि ये जो है ना फिर उधर जाता हूँ मुझे भूल जाता है इसका नेम, इसकी ना भी मैं पिक्चर लगा लेता हूँ क्योंकि ये घर में पड़ी रहे तो अच्छी होती है वैसे। ये खाना खा के ना दो चम्मच ये पी लें तो फिर ये हाजमा हो जाता है। अच्छी है, पता नहीं ये कौन सी है, ये तो डॉक्टरों को पता होगा, जो डॉक्टर वगैरह देखते हैं ना
उनको पता होगा कि ये अच्छी है कि नहीं है। वैसे इसकी कीमत 185 रुपए है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया 180 रुपए की, 5 रुपए कम रेट पे। ये जो रेट लिखा हुआ है ना 185, उन्होंने 180 रुपए के दिए। वो है 30 रुपए, वो शॉपर में रख दो, ये भी रख दो। अरबी जो है वो बनाई जा रही है क्योंकि नाजिया की तबीयत ठीक नहीं है, आज बना रही है मुस्फेरा, तो बुनाई कर रही है। जैसे ये गल जाएगी ना फिर इसको बुनाई करके उतार लेगी। और आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे देख के ट्रेन भी आ गई। ट्रेन वो चली गई, ट्रेन थी, ट्रेन जो है वो चली गई है। आपने देख ली? मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी? आपके मोबाइल में देख ली। किसने? आपके मोबाइल में देखी। मेरे मोबाइल में देखी है? नहीं। मैं वीडियो बना रहा था और आप देख रहे थे? नहीं देख रहा था। एक किलो और भी लिए थोड़ी सी है वो ऐसे ही होती है। तो अभी जी वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा, बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। टाटा टाटा।